अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, ठीक उसी तरह अखिलेश की नजर सिर्फ और सिर्फ सत्ता पर है, प्रदेश के विकास पर है, प्रदेश को योगी सरकार से मुक्ति दिलाने पर। उसके लिए ना तो वो दोस्ती देख रहे हैं, ना रिश्तेदार और ना ही कोई जाति। अखिलेश को चाहिए तो सिर्फ यूपी की सत्ता, उसके लिए उनको कड़े से कड़े फैसले भी लेने पड़ रहे हैं, तो अखिलेश गुरेज नहीं कर रहे हैं। मतदान का दौर शुरू हो चुका है, दो चरणों के लिए मतदान किया भी जा चुका है, तीसरे चरण के लिए 20 फरवरी को मतदान किया जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अखिलेश हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, बल्कि वो घोड़े दौड़ा रहे हैं, इंटरनल सर्वे करवा रहे हैं, मजबूत प्रत्याशी पर ही दाव खेलना चाहते हैं अखिलेश। तभी तो मुख्तार के बड़े भाई सिबकतुल्लाह का टिकट काटने से भी अखिलेश ने परहेज नहीं किया। अखिलेश हर सीट पर आखिरी समय तक के समीकरण पर ध्यान दे रहे हैं, इस चुनाव को जीतने की कोशिश में कहीं कोई चूक न रह जाए, कोई कोर कसर ना रह जाए, नाक कान आंख सब खुले रखे हुए हैं अखिलेश यादव। जरूरत पड़ने पर मुंह भी खोलते हैं विरोधियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए। मुख्तार अंसारी क्योंकि जेल में बंद हैं, इसलिए उनको तो नहीं, लेकिन उनके बेटे अब्बास अंसारी को मऊ सदर से अखिलेश ने टिकट दिया है। अंसारी के बड़े भाई सिबकतुल्लाह को भी दिया था, लेकिन जब लगा कि परिस्थितियां उनके फेवर में नहीं है तो बिना इफ बट किए अखिलेश ने काट दिया टिकट। सिबकतुल्लाह की जगह गाजीपुर की मोहम्मदाबाद सीट से उनके बेटे शोएब अंसारी मन्नू को टिकट दिया गया है। इसके पीछे की रणनीति युवाओं को चुनावी मैदान में खड़ा करने की है, क्योंकि बीजेपी लगातार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बैकग्राउंड को लेकर सवाल उठाती रहती है, तो ऐसे में अखिलेश एक मौका नहीं देना चाहते। तभी तो समाजवादी पार्टी गठबंधन नई पीढ़ी को आगे लाने की रणनीति के तहत काम कर रहा है। मुख्तार अंसारी का भी टिकट कटा और अब सिबकतुल्लाह का भी टिकट काट कर उनके बेटे को थमा दिया गया है। सिबकतुल्लाह अपना पर्चा वापस ले चुके हैं, तो वहीं उनके बेटे शोएब अंसारी मन्नू नामांकन पर्चा भर चुके हैं। इसी तरह अपनी चुनाव जीतने की रणनीति के तहत अखिलेश ने पिछले दिनों बनारस उत्तरी सीट से पूर्व विधायक रहे अब्दुल अंसारी का भी टिकट काटा। आखिरी वक्त तक अब्दुल अंसारी को टिकट का भरोसा था, लेकिन अखिलेश क्योंकि कहीं कोई कोताही नहीं बरतना चाहते, इसलिए उन्होंने अब्दुल अंसारी की जगह अशफाक अहमद डब्लू को टिकट दिया। हालांकि अब्दुल अंसारी इस बात को सहन नहीं कर पाए और फूट फूट कर रोने लगे। अखिलेश चौकस है, अगर टिकट न मिलने पर उनके अपने को बुरा भी लगता है तो अखिलेश उसको खुद पर हावी नहीं होने देते। जो फैसला लेते हैं डंके की चोट पर लेते हैं और पार्टी की भलाई के लिए लेते हैं। अब अखिलेश के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? सिबकतुल्लाह के टिकट कटने पर आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।